सोनाली बिल्डर्स गुना, हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य मात्र 1250 से शुरुआत, प्रीमियम कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग के साथ। अभी बुकिंग पर 3D एलिवेशन एवं संबंधित सारे नक्शे बिल्कुल। इंटीरियर एवं वास्तु क्रय हेतु एक्सपर्ट्स टीम, सभी बैंकों द्वारा होम लोन हेतु संपूर्ण सुविधा मुक्त। हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण कुमार जैन 9839989305715। इंजीनियर विकास झा 8770089448। मजिस्ट्रेट साहब, मेरी पत्नी को 20 साल की सजा देना, कहकर युवक ने खा लिया सल्फाज। ससुराल पक्ष पर लगाए मारपीट के आरोप, मौत के बाद जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। गुना जिले के भमावत ग्राम निवासी 36 वर्षीय युवक ने पत्नी और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान होकर सल्फाज खाकर जान दे दी है। मौत से पहले युवक ने मोबाइल पर वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी का ससुराल पक्ष से प्रताड़ना का पूरा किस्सा बयां किया है। बता दें कि भमावत निवासी महेश केवट 20 साल से नीचे की जेल मत दी हो इन्हें कांजे दूर, इनने हमें कांजे बिल्कुल ऐसी आवाज है कि खूटा से भी लग जा तो कोई दिक्कत नहीं है। इनने तो हमारे पेड़ ही नहीं रहा कि जहाँ भी है जा। एक करण, एक कला और कृष्णा मेरी पत्नी महेश की, इनने कृष्णा कम से कम 10 साल हो गए साहब, वो मीना को मुंह पता नहीं है तो एक ऐसे कर रहा है और मेरे घर आवे और या फोन लगावे या मेरे कोटिंग भी होगी आज की एक साल पहले की। इनने मुँह ऐसो परेशान का जो हजूर कि मुँह आज सेल्फास खानो पड़ रही है देखो, और बन ने दे रही डिब्बी और मैंने चोरी छुटा खिलाए और रात में खवा दी थी और दुका रखी थी, बिनने चार गोली खवा दी मुँह कान जी इनने मेरी पत्नी कृष्णा ने। ये घेरा में सही और मार के भगाओ, रात में मारो दिन में मारो घर है, और गुंडा आ गए उनके 2500। हजूर मजिस्ट्रेट साहब, हाथ जोड़ के निमंत्रण है, इन्हें 20 साल के अलावा छोड़ मत दे यो जेल में से, 20 साल की सजा होनी चाहिए। मेरी गवाही ये फेसबुक पे डलवा देंगे मैं, कोई से भी मैं तो एक जानकार नहीं है, एक बहला चालू करवा के लाए तो वो मोबाइल चलाते भी नहीं यहाँ ढंग से, और इनने मोह कान जी आज 20 साल हो गए और 18 साल की मेरी छोरी हो गई। इनने हमें परेशानी दी, मुँह कहीं सक्सेस नहीं होता जी, पैसा रे जी इनने सुरागुल और पूरी भमाद इनने ऐसी कर रखी है अलाउ, इनके इनके आदमी जीप हराम होगा साहब, 20 साल हो गए ये मोह, और 20 साल से नीचे इन्हें जेल मत दे हो हजू। ये है मेरे मजिस्ट्रेट साहब, आपसे निवेदन, इनने आज तक भी हमारी या नहीं करी कि हम जी सके, हाँ जीवे के लाख नाक नहीं राखी। एक सर ये तुम्हारे मामा है ना, इनने सल्फास की गोली खा ली, क्या घटना है? अब पता नहीं साहब, उसने उन्होंने खिलाई कैसे ने खुद खाई है। तो फोन करा था ना उन्होंने, मेरे को फोन किया था और उन्होंने बोला कि ये मारा पीट कर रहे हैं मेरे साले साले, और जो उसके बदतल उन्होंने न जाने उन्होंने खिलाई इसको कि उसने खुद खाई है, तो हमको भी पता नहीं साहब। सल्फास की गोली, हाँ कहाँ की घटना है? ये रावतोगढ़ की है। अच्छा, हाँ तो ये भंग करने गए थे, रावण क्या करने गए थे? राधोगढ़ में उसकी ससुराल है जो वंशे के, उनकी सासों ने तो ले गई थी मेरी मामी जी को, जो उनके मामी जी को ले गई, जो उसके साथ ही मामी के साथ ही मेरे मामा जी चले गए थे। अच्छा, हाँ तो हमें तो कल पता पड़ा जब उन्होंने गोली खा ली, न जाने उन्होंने खाई कैसे। मौत कब हो गई? मौत कल शाम को 6:30 बजे। कहाँ पे भाई? यही अपने जिला अस्पताल में। अच्छा, हाँ आपका क्या नाम? मेरा नाम धनराज। कहाँ रहते हो? आखवादिया पार। अच्छा, हाँ तुम कौन हुआ के? मैं भानेज हूँ उसका। मामा का क्या नाम था? मामा का महेश केवट। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम अल्लाल केवट। कहाँ रहते थे? जब भमावत रहते थे। थाना कुमराज पड़ता है। बुधवार को 1:30 बजे दोपहर में नानाखेड़ी मंडी से निकलने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों एवं निकालने वाले अव्यवस्थित वाहन फंसने के कारण लगा रहा घंटों तक जाम। इस मार्ग पर सप्ताह में 4 से 5 दिन जाम के नजारे दिखते हैं। जाम लगने से सैकड़ों लोग होते रहे परेशान, एम्बुलेंस भी फंसी। ग्वालियर का एक युवक कार से गुना आया था और वह जाम में फंस गया। उसने गुना जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस व जिला प्रशासन व मध्य प्रदेश सरकार पर तंज कसकर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो 1 घंटे से ज्यादा समय से जाम में फंसा हुआ है। उन्हें ये 1 घंटे के दौरान
कोई ट्रैफिक पुलिस व जिम्मेदार व्यक्ति नजर नहीं आया और जाम घंटों तक चलता रहा। संचित ने कहा कि मैं नहीं समझता कि भाजपा सरकार में गुना जिला प्रशासन ट्रैफिक पुलिस के इतने अच्छे इंतजाम होंगे कि यहां कोई जिम्मेदार देखने वाला ही नहीं है। जाम में फंसे सैकड़ों लोग घंटों तक परेशान होते रहे, लेकिन कोई जो मैदारवा पुलिस में ट्रैफिक का जवान नजर ना आने से लोगों की परेशानियां बढ़ी और परेशान होते रहे। एम्बुलेंस में बैठे मरीज भी दर्द से कराहते रहे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संकेत है। मैं ग्वालियर से गुना आया था किसी काम से जी। यहाँ के प्रशासन की व्यवस्था देख के मेरे को एकदम मजा सा आ गया। बीजेपी सरकार में मैं नहीं समझता कि इससे बढ़िया व्यवस्था हो सकती थी आज के समय पे जी। मैं जानता हूँ कि हम इतने संपन्न नहीं है कि सारे ट्रैफिक को फॉलो कर पाए, इसमें प्रशासन की जरूरत है। इतनी बड़ी मंडी होने के बावजूद जब ट्रैफिक प्रशासन मतलब जिले का जो ट्रैफिक है किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। मैं मानता हूँ बीजेपी काल में तो कुछ संभव अब बचा नहीं। अभी कोई पुलिस वाला ऐसा कुछ दिखा आपको? कोई मेरे को एक घंटे में कोई भी ऐसा नहीं दिखा जिम्मेदार आदमी कि जहाँ कोई ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हुए दिखा हो। चूंकि ग्वालियर गुना की ये मेन रोड है, गुना ग्वालियर बनती हुई, तो अब तो कुछ नहीं बचा सरकार। देखा जा रहा आपके पीछे एम्बुलेंस भी खड़ी है, तो भी क्या मैं कह रहा हूँ कोई मर रहा हो तो देखने वाला नहीं है यहाँ पे, एम्बुलेंस क्या करेगी। सड़क पर गति अवरोधक व स्ट्रीट लाइट बनाने की मांग। आरोह नगर के गुना सिरोंज बाईपास पर सड़क के दोनों ओर गति अवरोध न होने की वजह से नगरवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि वाहन चालक इतनी तेजी गति से वाहन लेकर निकलते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। भाजपा पार्षद पूजा सोनू लांचा ने जनसुनवाई में SDM को आवेदन देते हुए बताया कि बाईपास एक ऐसा मार्ग है जहाँ लोग वर्क करने व आम नागरिक व आम नगरवासियों का आवागमन लगा रहता है। भाजपा पार्षद पूजा सोनू लांचा ने जनसुनवाई में SDM को आवेदन देते हुए बताया कि बाईपास एक ऐसा मार्ग है जहां लोग वर्ग करने व आम नगरवासियों का आवागमन लगा रहता है। चूंकि गुना सिरोंज मुख्य बाईपास है जिससे कि लोगों की आवाजाही लगी रहती है, इस मार्ग पर चहल पहल अधिक होने के कारण हर वक्त स्कूली बच्चों एवं ग्रामीणों को अनहोनी का भय बना रहता है, क्योंकि वाहन चालक तेजी गति व लापरवाही से वाहन दौड़ा कर निकलते हैं। लापरवाह वाहन चालक अपने वाहनों की गति कम नहीं करते जिससे कोई भी दुर्घटना होना आम बात है। लोगों ने मांग करते हुए कहा कि सिरोंज बाईपास रोड चौराहा व गुना बाईपास रोड पर एक एक गति अवरोधक व स्ट्रीट लाइट का निर्माण करवाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी की आशंका न हो। आरोन से संवाददाता मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सोनू रघुवंशी है, मैं वार्ड नंबर 4 पार्षद प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, आज आपने जन सुनवाई में एक आवेदन सौंपा है, कैसा क्या है, किस संदर्भ में सौंपा है बताएं। जन सुनवाई में आवेदन दिया है कि रात में एक गाय और एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है बाइक से, उसमें गाय की मौत हो गई और एक लड़के की एक्सीडेंट हुआ है तो रेफर हुआ है गुना। उसकी बहुत तेज एक्सीडेंट हुआ था, आप देख रहे हो एक्सीडेंट कहाँ पे हो रहे हैं, सिरोंज बाईपास जो बना है, सिरोंज और घुमा जाते हैं गुना सिरोंज बाईपास है, इसमें एक्सीडेंट अधिकतर एक्सीडेंट वही होते हैं। गाय है अपन का किसी को हो जाए, अपनी मानो अपन भी गाड़ी चला रहे हैं अपने एक्सीडेंट हो जाए। मूला रोड बाईपास है, असुनर बाईपास है, पनवाड़ी बाईपास है और सरोज और जाते हैं बाईपास है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं आप देख रहे हो। तो अपन ने SDM के लिए यही आवेदन दिया है कि वहाँ पे मतलब रोकने के लिए कोई व्यवस्था ऐसी करी जाए, ट्रैफिक यहाँ से रुक जाए, अतिरोधक क्षमता है जो रुक जाए, फिर उनका यहाँ पर रोकने के लिए कोई व्यवस्था ऐसी हो कि बस ना जा पाए, आराम से ऊपर चले। उसके लिए हमने SDM साहब को स्ट्रीट लाइट के लिए आवेदन दिया है कि यहाँ पर बस का और उसका ट्रैफिक का रोक चलाया जाए। संबंध में हमने SDM साहब को आवेदन दिया है, उसने अब SDM साहब ने बोला है कि मैं मतलब CM साहब से इसके विषय में देख कर काम करवाता। चलिए ठीक है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज क्रीड़ा भारती मध्य भारत प्रांत जिला गुना के द्वारा संजय स्टेडियम के बास्केटबॉल ग्राउंड पर किया गया, जिसमें सभी खेलों के खिलाड़ी एवं कोच मैनेजर साथ में सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह धाकरे एवं श्रीमती सुनीता यादव धाकरे उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों को योग के बारे में मोटिवेट किया और हर रोज आधे घंटे हमें योग से जुड़ना चाहिए, जिससे शारीरिक मानसिक और खेल के साथ योग भी जरूरी है। गौरव सक्सेना ने योग में ताड़ासन, ब्रजासन, आलोम विलोम एवं सूर्य नमस्कार बच्चों को कराएगा। क्रीड़ा भारती के जिला मंत्री अजय प्रजापति, सह मंत्री मोहित साहू, सभी दायित्व कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सभी खिलाड़ी एवं कोच मैनेजर ने योग किया और शपथ भी ली कि हम रोज आधे घंटे योग से जुड़ेंगे। इसके बाद सभी बच्चों को अल्पाहार वितरित किया गया। प्राचीन काल से ही बहुत प्रसिद्ध रहा है
और पहले ये प्राचीन काल में सभी के जीवन शैली का एक अंग हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे आज पाश्चात्य संस्कृति और सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से ये जो है धीरे धीरे पीछे चला गया। लेकिन ये एक बार फिर मुहिम शुरू हुई हमारे देशवासियों की तरफ से, हमारे UNO की तरफ से, कि इसको हम वापस अपने जीवन में लेके आएँ, क्योंकि आज के समय में बच्चों का जो दिमाग है उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत हद तक उनको पीछे की ओर लेके जा रहा है। कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह की जो मैसेजेस चल रहे हैं आजकल, बच्चों को पूरा डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। और योग एकमात्र साधन है जिसको हम इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, लोग मेडिटेशन की क्लास लेते हैं, ये ध्यान है जो एक योग का ही रूप है। तो हमें अपनी जीवन शैली में इसे वापस लेकर आना चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटीज़ धीरे धीरे मोबाइलों के कारण कम होती जा रही है, लोग इनसे दूर होते जा रहे हैं। हमें योग का भरपूर प्रचार प्रसार करना चाहिए और अपने जीवन शैली में अभिन्न अंग बना के इसको लेके आना चाहिए। छात्रों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा ज्ञापन। आरोन में शासकीय महाविद्यालय आरोन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के कारण उत्पन्न छात्र समस्याओं के संबंध में जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें नगर मंत्री अभिषेक शर्मा एवं साथ में राहुल रघुवंशी, मनोज शर्मा, हर्षित रघुवंशी, दीपक अहिरवार, अभयराज रघुवंशी, छोटू रघुवंशी, अमित शर्मा, शिवम भार्गव, सहदेव, आकाश बिजोले एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा मांग की गई है कि विश्वविद्यालय एक बार में ही सोच समझकर टाइम टेबल निश्चित किया करें, अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगा जिसका जिम्मेदारी स्वयं विश्वविद्यालय की होगी। आरोन से संवाददाता मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अभिषेक शर्मा। कहाँ के रहने वाले? आरोन के रहने वाला। अच्छा, क्या किस मुद्दे को लेकर आज आपने ज्ञापन सुना? आज कॉलेज में और उनका कॉलेज है, इसमें बच्चों को रिजल्ट से लेकर समस्याएं थी, BA फर्स्ट ईयर और BSc थर्ड ईयर की जो मार्कशीट रुकी हुई थी, तो पेपर छूट गए थे कुछ लोगों के बच्चे, तो इसलिए आवेदन दिया गया था। और बच्चों को कुछ चीज़ें दिक्कत आती हैं, जैसे परीक्षा आती हैं तो उसमें टाइम टेबल का बार बार क्या वो बदलते रहते हैं, तो उसमें बच्चों को समस्याएं आती हैं। किस बैनर तले दिया है? अखिल भारतीय विद्यापीठ से ज्ञापन दिया गया है। अच्छा, अखिल भारतीय से अभिषेक शर्मा हूँ, नगर मंत्री के दायित्व। अच्छा, चलिए। दीर्घायु के लिए प्रतिदिन 30 मिनट योगा अवश्य करें, आनंद भार्गव। रुठियाई में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र व मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद संयुक्त तत्वाधान में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम रुठियाई नगर के लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता के रूप में पधारे स्वामी विवेकानंद विद्यालय के संचालक आनंद भार्गव जी रहे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से संबोधित करते हुए युवाओं को बताया कि वर्तमान समय में परिस्थितियों को देखते हुए यदि जनमानस को अपनी दीर्घायु तक जाना है तो प्रतिदिन 30 मिनट योगा व्यायाम अवश्य करें, सूर्य नमस्कार आदि गतिविधियां करवाई गई। लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल के संचालक मुकेश राय जी के द्वारा उपस्थित युवाओं को सूक्ष्म व्यायाम आसन प्राणायाम करवाया गया। विशेष अतिथि के रूप में सपना साहू भाजपा महिला मोर्चा से नगर अध्यक्ष उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक प्रदीप केवट ने प्रतिदिन योग करने की शपथ दिलाई। सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं देने पर जनसुनवाई में आवेदक ने सौंपा ज्ञापन। सूचना के अधिकार अधिनियम की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए आज जनसुनवाई में एक आवेदक सत्यनारायण शर्मा द्वारा SDM के नाम आवेदन सौंपा है। गौरतलब है कि आवेदक सत्यनारायण शर्मा द्वारा के नगर परिषद से RTI के तहत आवेदन किए थे, लेकिन सूचना मिलना तो दूर, जवाब तक नहीं मिले। इस पर से सत्यनारायण ने बताया कि उन्हें इसकी सूचना भी नहीं मिली। SDM द्वारा तुरंत ही मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर परिषद कर्मचारियों को आदेश दिए हैं। वहीं नगर परिषद कर्मचारी प्रताप का कहना है कि हमें अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, समय विधि में जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। आरोन से संवाददाता मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। द्वारा RTI लगाकर जानकारी चाहिए गई थी, वो तैयार कर ली गई है, उसको कल उपलब्ध करा दी जाएगी। अच्छा, मतलब कल तक इन्हें मिल जाएगी। अभी देर क्यों हो रही थी इसमें? साइन हुए, जानकारी तैयार रखी थी, साइन नहीं हो पाए थे। चलिए, 8 महीने मेरे पास कभी आई थी। अच्छा, चलिए। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण शर्मा। क्या समस्या को लेकर पहुँचे थे आप? RTI के तहत मैंने एक आवेदन लगाया गया था और 11वें महीने में भी एक लगाया था, 11वें महीने से आज तक मैं मांगता आ रहा हूँ
और हर महीने मैं आरटीआई लगाता आ रहा हूँ, अभी तक कोई सूचना नहीं दी जा रही, न कोई जवाब दिया जा रहा, न कोई जानकारी। कहाँ लगाया था आपने? सदारोन में। अच्छा, फिर इस विषय में आज आपने यहाँ आवेदन दिया है? साहब को भी मैंने दिया है, एडीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है कि चलो आपको जानकारी मिल जाएगी। बाबू द्वारा बता रहे हैं कि हमारे साइन नहीं हुए हैं, फलाने के साइन नहीं हुए, सीएमओ के साइन नहीं हुए, अभी तक 8 महीने से अभी तक सब साइन ही नहीं हुए। अच्छा, काय की जानकारी मांगी थी? उसमें नोट शीट और नोट जारी। अच्छा, संबंधित में इनके विनियम की कण किए गए हैं। चलिए ठीक है। कितने महीने से भटक रहे हैं आप? अरे सर, मैं तो 8 महीने से भटक रहा हूँ। चलिए, 8 महीने हो गए मेरे को परिवार। जिले की दुकान विहीन पंचायतों में पीडीएस दुकान खोलने हेतु ऑनलाइन आवेदन 30 जून तक आमंत्रित। जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार गुना जिले में दुकान विहीन पंचायतों हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन दुकानें खोली जाने हेतु रिक्त पंचायतों में गुना में 15, बमोरी में 5, चांचौड़ा में 6, राघुगढ़ में 1 एवं आरोन में 3। इस प्रकार कुल 30 पंचायतों को रिक्त मानते हुए निम्नानुसार दुकान विहीन पंचायतों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। विज्ञप्ति के तहत आवेदन ऑनलाइन एवं राशन मित्र पोर्टल पर दिनांक 21 जून तक किए जाने थे। सर्वर डाउन होने के कारण सर्वर पर अपलोड नहीं किए जाने से उक्त तिथि में वृद्धि करते हुए अब ऑनलाइन आवेदन एवं राशन मित्र पोर्टल पर 30 जून 2023 तक किए जा सकेंगे। जारी आदेश अनुसार गुना में विनायक खेड़ी, खेजरा, सकतपुर, विलोनिया, करके की महू, ढुढुरु, पुरैनी, करीली, टोरिया, भिड़रा, रेझाई, पद्मनखेड़ी, डूंगासरा, पिपरोदा कला, म्याना, बमोरी में खड़ेला, बीलखेड़ा, विश्वनगर, खड़गपुरा, धाननखेड़ी, चाचौड़ा में अजगरा, आमखेड़ा, नित्याखेड़ी, परवारिया, टोड़ी, मेरिया खेड़ा कला, राघोगढ़ में सोरामपुर, आरोन में घटावदा, कुंदौली, सावन भादों में दुकान विहीन पंचायतों के आवेदन एवं राशन मित्र पोर्टल पर किया जाएगा। एक समूह को एक ही दुकान आवंटित की जाएगी एवं एक से अधिक दुकान आवंटित नहीं की जाएगी, जिसमें आवेदनकर्ता संस्था स्थानीय महिला स्वर्गीय सहायता समूह के प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था स्थानीय हो तथा उसका कार्य क्षेत्र हो व 1 वर्ष पूर्व की पंजीकृत हो एवं ऑडिट रिपोर्ट 1 वर्ष पूर्व की ही हो तथा मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2015 के उपबंध 2 के तहत उपभोक्ता सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी एवं महिला स्व सहायता समूह व संयुक्त वन प्रबंधन समिति शामिल समितियों में पंजीकृत हो। दो युवक बाइक से गुना से कुम्भराज जाते समय नेशनल हाईवे 46 चिंताहरण हनुमान मंदिर के पास ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, युवक घायल। भूरा पुत्र रामदयाल मीना उम्र 18 साल निवासी कुम्भराज थाना कुम्भराज ने बताया कि वह बाइक से स्वयं एवं नीतू पुत्र रामजीवन मीणा उम्र 19 साल गुना से बाइक से कुम्भराज जा रहे थे। NH 46 हाईवे के पास चिंताहरण हनुमान मंदिर के निकट पीछे से ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में दोनों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। कैंट पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जब क्या नाम आपका? मेरा नाम रवि कुशवाहा है। पिताजी का नाम? प्रताप कुशवाहा है। कहाँ रहते हो? सगतपुर में रहता हूँ। बताओ कहाँ एक्सीडेंट हो गया आपका? मैं हॉस्पिटल के यहाँ गए। कहाँ गए थे? मैं अड्डी मिल से आ रहा था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ड्यूटी गई थी। हाँ, फिर क्या हुआ, एकदम ट्रैक्टर वाले ने कट मार दिया मुँह में जोर से, मोटरसाइकिल। हाँ, तो चार मोटरसाइकिल हो गई, वो भाग गया। अच्छा, भाग गया तो मैं दो बैंक गिर गया हूँ, और फिर भी मैंने उठ भी की बहुत कोशिश करी, जी पैर में से बिलट ही बिलट आ रहा था। अच्छा। फिर मैंने आ गया, गाड़ी स्टार्ट करते नहीं, गाड़ी सुधरवा के नहीं यहीं पर आ गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ मदद हो। शिकायत कहाँ कर दी? जी यही अपनी सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ, पुलिस चौकी। हाँ, लोकेंद्र की मौत के मामले की जांच जिस ट्रैक पर है
उसे निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद धूमिल हो रही है। ये आशंका जाहिर करते हुए आज फिर से मराठा समाज ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। समाज का कहना है कि साक्षियों से हत्या प्रतीत होने वाले इस केस को पुलिस सिर्फ दुर्घटना देख रही है। ग्राम चीम रामपुर निवासी युवक लोकेंद्र शिर्के पुत्र लक्ष्मण शिर्के 10 जून को अपनी पिकअप जीप से घर से निकला था। अगले दिन 11 जून 2023 को कैंट थाना के अंतर्गत ग्राम पूरा पोसर के पास उसकी डेड बॉडी उसी की माल भाड़ा पिकअप जीप में दबी मिली थी। मौके पर महिला की चप्पल आदि साक्ष्य मिले। ये सारे साक्ष्य मृतक की हत्या की संभावना को बल देते हैं। ये भी प्रतीत होता है कि हत्या के बाद उसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई है। समाज के अध्यक्ष राजेश यादव के अनुसार मृतक के परिजनों और समाज का कहना है कि कैंट थाना पुलिस इस केस को पहले ही दिन से दुर्घटना बताने पर आमादा है। पुलिस की अभी की कहानी के अनुसार मृतक घटना वाले दिन अपने गांव से एक अनाड़ी ड्राइवर को साथ लेकर अपने वाहन से गर्लफ्रेंड से मिलने गुना आया था। उसने ड्राइवर को अपना वाहन चलाने दे दिया और खुद लड़की के पीछे जीप में बैठ गया। तभी गाड़ी पलट गई और उसमें दबने से मृतक की मौत हो गई। इस घटना से डरकर लड़की और ड्राइवर मौके से भाग गए। पुलिस की इस कहानी में कोई प्रश्न है जो घटनास्थल की परिस्थितियों और मौके के फोटोग्राफर देखकर खड़े हो रहे हैं, इस कहानी की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करते हैं। विश्व योग दिवस जिले भर में हुए योग प्राणायाम के कार्यक्रम। उत्कृष्ट विद्यालय में विधायक और प्रभारी कलेक्टर ने किया योग। हमारे देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दुनिया के सभी देश 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। इस मौके पर जिले भर में योग और प्राणायाम के कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्कृष्ट विद्यालय गुना में मुख्य कार्यक्रम हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विधायक गोपीलाल जाटव, प्रभारी कलेक्टर प्रथम कौशिक और एसपी राकेश कुमार सगर सहित अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उत्कृष्ट विद्यालय में योगाभ्यास किया। जिला जेल में जिला न्यायाधीश एवं विधिक सहायता अधिकारी राकेश कुमार शर्मा, विभूति तिवारी, जेल अधीक्षक अतुल सिन्हा एवं उप जेल अधीक्षक जसवंत सिंह बाथम तथा स्टाफ ने बंदियों के साथ योगाभ्यास किया। वहीं पतंजलि समिति ने मानस भवन और क्रीडा भारती ने संजय स्टेडियम में योग के कार्यक्रम किए। गायत्री शक्तिपीठ द्वारा भी योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है हम सबके लिए, पूरे विश्व के लिए। सभी को पहले तो मैं पूरे जिलेवासियों को भारतीय जनता पार्टी जिले की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और माननीय मोदी जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने आज पूरे विश्व में ये योग दिवस आज मन रहा है। केवल उनके प्रयासों से पूरे विश्व में आज भारत की जो धाक है आज अपन देख रहे हैं सभी लोग कि पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है 21 जून योग दिवस घोषित होना। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि योग अपनी दिनचर्या में लाएं। जैसा नहीं आज 21 जून योग दिवस है, 21 जून के दिन हम सभी लोग आ जाते हैं, प्रतिदिन हम अपनी दिनचर्या में लाएं कि कोरोना काल में हमने देखा है कि जिन्होंने जो लोग योग करते थे नियमित उनके लिए कोरोना छू तक नहीं पाया, मतलब टच तक नहीं कर पाया। जैसे हम अपने जीवन में ये उतारें कि योग नियमित करें, सभी से यही प्रार्थना करूँगा, करें योग, रहें रोग। भारत माता की जय। नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया योग दिवस। आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं। उन्होंने योग दिवस पर वीडियो संदेश जारी करते हुए भारतीयों को संबोधित किया। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को न्यूयॉर्क में शिक्षाविदों और थिंक टैंक समूहों के सदस्यों से मुलाकात की। इससे पहले पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वीडियो संदेश जारी कर देश को संबोधित किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम सुबह 6 बजे से लाइव दिखाया गया। समस्त विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व पत्रकार बंधुओं ने नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय आरोन में योग किया, जहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आरोन से संवाददाता मिथुन शर्मा की रिपोर्ट।